We have a lot of these young people, yeah, from Hyderabad, all over the country, who are here for this special Prerna series. And I've got a very, very dynamic young officer to speak to you all. Okay, we are, as soon as we go live, we will start this session. You can see yourself on, you can tell your friends and all to see you on YouTube, also on my channel. Though on the Zoom, we are all got connected through this amazing, amazing platform that is Unacademy, India's largest online learning platform. And good to see you all here. So, all of you ready now to have a scintillating session. I will take your questions also in the end. Pehle baat chit karenge. And abhi aap haath down rakhe abhi, theek hai? Abhi Prince, God and all of you, just keep your, just enjoy this session. And uske baad I will give you sufficient time to ask questions. We will take questions from both the platforms on Zoom as well as on the, on YouTube also. So, wait a minute. Yes, we are starting now. Okay, friends, I have this amazing young guy, great energy, served in the army as a short service commissioned officer. Us chote se tenure mein, he's been to Valley, he's been to Assam Rifles, he's been ADC, and he's got a commendation card, for excellent performance. But I would like to start this session by asking him one simple thing. How was it when he led the Assam Rifles contingent on the Republic Day parade, marching on the Janpath? Wo feeling kaisi thi? Now, Shah, come on. Ajo. थैंक यू वेरी मच सर. मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का की बात है कि आपके साथ अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. और अनअकैडमी, जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया भर में जो नाम कमाए अनअकैडमी में, जो जहां से बच्चे दुनिया भर से इसमें होर शोर मचा रखा है. सर, आज सोशल मीडिया पे मैंने अनाउंस करा कि मैं अनअकैडमी में जा रहा हूँ. सो सब मेरे दीवारे हो गए बिल्कुल. एवरीबडी सडनली सर, मेरे को, मैं आपको बताऊं, Unacademy का नाम सुनते ही everybody was like jumping. Now I will come to the question that you asked me as well. Sir, आपको, I will take you back slightly in history in the year 1987. मैं तकरीबन 8 साल का था उस वक्त. तब सर मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था स्कूल से 26 जनवरी की परेड अपने स्कूल की तरफ से जाने के लिए. तो मगर मेरे जो नाना है उनका इंतकाल हो गया था 23 जनवरी 1987 में. तो जाहिर सी बात है, तो मेरी सिस्टर परेड के लिए हिस्सा नहीं ले पाए. लेकिन मेरे एक चाचा है सर, वो भी फौज में थे, वो आर्मर्ड कोर में थे, कर्नल. मैं उनको लालगढ़ जट्टा में मिला हूं. आई नो हिम. करेक्ट, ही नोज यू वेरी वेल. वो ही टॉक वेरी वेरी हाईली ऑफ यू सर. सो कर्नल मीर अहमद शाह, वो आर्मर्ड कोर में थे. एंड 1987 में इन्होंने 26 जनवरी का कंटिंजेंट आर्मर्ड कोर का कमांड किया था. वो हम सबने टीवी में देखा था, अरे चाचा जा रहे हैं. तो उसी, वो सपना कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था. और बचपन से मैं सर सुनता था कमेंट्री, ब्रिगेडियर जसदेव सिंह की आवाज और ब्रिगेडियर सामंत की आवाज, और मैं सुनता था कमेंट्री के कंधे से कंधा मिला के जा रहे हैं और राष्ट्रपति को सलामी दे रहे हैं. और सर जब मैं सुनता था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे बिल्कुल. तो वो सपना मेरा बचपन से दिमाग में था, कहीं ना कहीं जहन में था वो. अब सर जब मैं अकेडमी में गया ट्रेनिंग करने के लिए, आई विल टेल यू अबाउट माय एसएसबी एक्सपीरियंस आल्सो, मगर मैं 26 जनवरी की पे आता हूं पहले. तो अकेडमी में हालांकि हर एक टेस्ट में मैं सुपर एक्सीलेंट पास था, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल से आया था, मिलिट्री स्कूल से आया था, कॉलेज में एनसीसी कर रखी थी मैंने. लेकिन एक टेस्ट ऐसा था जहां पे मैं कई मरतबा फेल हुआ था. मुझे पता है वो मैं उस पे आऊंगा. मुझे पहले ये बताओ कि आप जब यू आर मार्चिंग, आपकी वो मैंने फोटो देखी है, असम राइफल्स की यूनिफॉर्म भी बहुत जबरदस्त है. यू आर अ गनर, ये मैं बता दूं बच्चा पार्टी को, ही इज अ गनर. गनर होता है जो तोप खाने का होता है, आर्टलरी. ही इज एन आर्टलरी ऑफिसर ऑन डेपुटेशन विद असम राइफल्स, लीडिंग द कंटिजेंट डाउन द राजपथ. वो बताओ शाह, कैसा था एक्सपीरियंस? सर अल्टीमेटली स्पीकिंग, कि मैं पूरे टेस्ट में, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में फेल होता रहा था अकेडमी में, कंटिन्यूस पासिंग आउट. परेड में मैं हिस्सा नहीं ले पाया सर, क्योंकि मैं फेल हुआ था. ये
I would rather call it from humiliation to inspiration. कि अकेडमी में ह्यूमिलेट हुआ मैं कि भाई परेड में परेड नहीं कर पा रहे हो, और जब मैं परेड कमांड जब मैंने करी 26 जनवरी को, मेरे दोनों पाँव में सर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ रखे थे, दोनों पाँव की हड्डियां मेरी सूज गई थी, और एक्सरे हुई थी तो ऑर्थोपेडिशियन जो बेस हॉस्पिटल में थे उन्होंने कहा था कर्नल साहब ने कि भाई आप परेड तो नहीं कर पाओगे, आपको मैं दोबारा वापस नागालैंड भेज रहा हूँ आरटीयू रिटर्न टू यूनिट। मैंने कहा सर परेड तो मैं करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए, तो मैंने सर पेन किलर्स ले लिए और रोज सुबह 5 बजे अपने दस्ते के साथ आर्मी परेड ग्राउंड पे मैं दिल्ली के जाड़ों में ठंड में जहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर में बहुत दर्द होता था मेरे को, सर दर्द तो हम सबने झेला दुनिया में, कभी दांत का दर्द कहते हैं बहुत खराब होता है, कान का दर्द बहुत कहते हैं बहुत खराब होता है, सर कुछ जल जाता है तो फूफ हम रिएक्ट करते हैं, सर ऐसा दर्द जहां पे आप रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे, अब अगर पाओं में फ्रैक्चर है आप खड़े नहीं हो पाते एक टांग पे, यहाँ पे दोनों पाओं में फ्रैक्चर है, लेकिन परेड कमांड करी तो मैं दिखा दिया साबित कर दिया कि ताकत यहाँ पे नहीं है, ताकत यहाँ पे है। और जब हम ट्रेनिंग करते थे अकेडमी में, हमारे कमांडेंट उस टाइम पे थे जनरल सुधीर मोहन, वो भी गार्डमैन थे आपकी तरह से, आपके सीनियर थे, तो आपका हमने आपका जिक्र हमने अकेडमी में सुन रखा था, एंड उस टाइम पे दैट टाइम यू वर अ कर्नल साहब आई थिंक दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2002 सर, सो हमने देखी है, तो वन फील इंस्पायर्ड जब हम देखते हैं हमारे ऐसे सीनियर, हमारे ऐसे आज की तारीख में दुनिया भर में सर का नाम है, और सर कोई फिल्म स्टार नहीं है, क्योंकि उनसे बड़े हीरो हैं, फिल्म स्टार से बढ़कर हीरो हैं, क्योंकि फौजी जो होते हैं ना वो असल में फिल्म में ना है, उरी में या शेरशाह में या शहनशाह उसमें फिल्म में ना है, उनका आदर होता है कि वो कंधे से कंधा मिला के हकीकत के हीरो के साथ मार्च करते हैं, तो ये तो वो फीलिंग जो है ना सर, मैं आज भी वो वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, मोहम्मद अली शाह परेड लगाएंगे तो किसी को भी मिल जाएगा, ये भवनी ढूंढ रही है, भवनी वहां पे मैं देखा, भवनी भी यूट्यूब कुछ कर रही है, वहां पे टाइप कर रही है, तो वो वीडियो प्लीज देखे, बल्कि अ मोमेंट ऑफ रियल प्राइड, उसमें 87 की भी परेड का भी है, उस टाइम पे मेजर एम ए शाह, मेजर मीर अहमद शाह जो मेरे चाचा हैं, और उसके बाद मेरा वीडियो वो भी यूट्यूब पे है। ये भी बता दूं आप लोगों को, अभी तो एनर्जी स्टार्ट हुई है, मोहम्मद अली शाह वार्म अप हो रहा है अभी, ठीक है, एंड जो पंच लाइन ह्यूमिलिएशन टू इंस्पिरेशन, देखो हम सबकी जिंदगी में फेलियर आते हैं, और आज जो दो शख्स आपके सामने बैठे हैं, ठीक है, मैं खुद एनडीए नहीं पास हुआ, आई कुंट क्लियर एनडीए, बट मैं फर्स्ट चांस में सीडीएस और सब कुछ करके आई में पहुंच गया, अली शाह की लाइफ भी कुछ ऐसे ही है ना, तो जस्ट टेल अस अबाउट योर स्कूल एंड कॉलेज एंड यू नो कैसे आप फौज में, कौन से रास्ते से पहुंचे फौज में ये बताओ। सर मेरे फादर भी फौज में थे, तो बेस्ट तरीका क्या है कि फौजी बच्चे को कि हर 2-1 साल के बाद तबादला होता रहेगा, स्कूल बदलेगा, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होएंगी, अच्छा नहीं होएगा, तो बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, वहां से पला बढ़ा, जैसे आप यू नो जॉर्जियन सर, आप जैसे मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में गए, आपके फादर भी फौज में थे, तो उस तरीके से बेस्ट तरीका है कि भाई बोर्डिंग स्कूल में पला बढ़ा रहेगा, तो मिलिट्री स्कूल था मिलिट्री ट्रेडिशन के साथ, हालांकि इट वॉजंट मिलिट्री स्कूल लाइक योर और सैनिक स्कूल, बट इट वॉज इट हैड मिलिट्री ट्रेडिशन, वर्दी भी हमारी खाकी थी, राइफल ड्रिल वही थी, सलामी शास्त्र, बंगल शास्त्र वही सब कहानी थी, लेफ्ट राइट मार्च पा सब कुछ, और मैं आपके डॉर्मेटरीज भी देखी, मैं आपके स्कूल में 97 में गया था, जब मैं स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट था मैं गया आपके स्कूल में 2 बार देखने के लिए स्कूल, सर आप अगर 96 में वहां पे होंगे तो मैंने एक प्ले किया था स्कूल में, वो मेरे चाचा के साथ नसीर साहब के साथ, कॉल केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, नेवल प्ले था, और स्टाफ कॉलेज से बहुत सारे ऑफिसर्स देखने के लिए आए थे, वो प्ले प्रोफेशनल प्ले था सर वो, और मैं 97 में स्कूल में था उस टाइम पे, क्लास 11th में था उस टाइम पे मैं। ग्रेट, वाओ, अच्छा ये भी बता दूं कि इज नेव्यू ऑफ नसीरुद्दीन शाह, और इन्होंने हैदर पिक्चर में इनका बहुत छोटा रोल है, बट जबरदस्त जबरदस्त एक्टिंग है, तो अब क्या क्या बातें कहां से शुरू करें, मैं तो सोचा रिपब्लिक डे परेड से पहले स्कूल और फिर ओटीए जाएंगे। चलो हैदर की बात बताओ, हैदर पिक्चर में क्या कैसे, आपने बड़ी जबरदस्त पिक्चर है, जरा उसकी बात करें।
सर बात ऐसी है, फौज में आने से पहले मेरा भी एनडीए में दाखिला नहीं हुआ था, मैं एनडीए में एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया था मैं, तो फिर मैंने अपनी एनसीसी करी कॉलेज में, फिर मैंने सीडीएस एग्जाम दिया, और कॉलेज के बाद मैंने एनएसडी नेशनल स्कूल ड्रामा के लिए भी मैं अपियर हुआ था, जहां पे मनोज बाजपेयी का 3 मरतबा नहीं हुआ था एडमिशन, वहां पे वो फेल हो गए थे। आर्यन वेद मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल रह चुके हैं, उनका भी वहां पे एनएसडी में नहीं हुआ दाखिला, एनएसडी में 2 बार दाखिला नहीं हुआ। फिर मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन ट्राई किया, उसमें भी दाखिला नहीं हुआ। फिर तो मैं जब फौज में गया तो एक ब्रिगेडियर शशि खन्ना साहब है सर, वो डिप्टी जीओसी थे 54 डिस्क के सिकंदराबाद में, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि तुम ओटी जा रहे हो, फौज में जा रहे हो, तो सर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं सर, सर आज मेरे बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैं अकेडमी में आपके साथ बात कर रहा हूं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे सर, आधे आधे घंटे पहले मैं नेशनल टेलीविजन पे था, उससे पहले मैं दौड़ता हुआ गया था बाहर व्यापार केंद्र, और ये क्रूकट जो है ना ये अभी लेके आया हूँ सर, अभी लेके आया हूँ आपके लिए, मैंने कहा बिकॉज जनरली इसकी पिक्चर्स आप न्यूज एक्स वालों ने इनको इसको पक्का ले रखा है, he's always there on many tv channel but news x mein is very regular and he's got a very smart beard and you know badhiya today he's taken a proper haircut you know academy type of crew cut haircut shave ye kehta sir aapke sath baat cheet karenge wo bhi unacademy ke platform mein and he's in a proper 3-piece suit जी सर मैं अपनी अपनी साइड कैप भी रखी हुई है, रेजिमेंटल सर्मनल साइड कैप, फिर मैं कहा फिर आप ऐसे रहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बेटर है जा जा या एज यूजुअल यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। चलो पहले चलो हैदर पिक्चर की बात करते हैं, देन वी विल गो बैक टू ओटी, ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा मजा आएगा। हां तो सर मेरा दाखिला एनएसडी में नहीं हुआ, तो ब्रिगेडियर शशि खन्ना साहब ने समझाया मेरे को कि तुम भाई पैरा एसएफ पे जाओगे, पैरा कमांडो जाओगे, 5 साल करोगे, फिर तुम बंबई आना, उसके बाद अगर तुम्हें एक्टिंग एक्टिंग करने का शौक है, कोई फौजी आज तक एक्टिंग में उतरा ही नहीं है ऐसा, एक राजकुमार थे जाने ये चाकू है, तो वो पुलिस में थे, वर्दी वाले वो थे, और कोई वर्दी वाला फौज ही नहीं है जो हीरो बन चुका है या कोई फौज में या एक्टिंग कर चुका है, तो तुम उसके बाद बॉम्बे आना फिर पैरा कमांडो बन गए, तो ये बात मेरे को कहीं ना कहीं इंस्पायर कर गई थी। तो एनीवे जब मैं आफ्टर द आर्मी में आईएम गया, वो भी फौज के थ्रू, आईएम से अपना मैनेजमेंट करा, फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, मैं सीईओ था एक कंपनी का, तो उस टाइम पे मैं मालूम पड़ा कि विशाल भारद्वाज बंबई में हैमलेट इन कश्मीर बना रहे हैं। अब शेक्सपियर तो मैं स्कूल में पढ़ चुका था सर, मेरे को शेक्सपियर के सारे प्लेस जबानी आते हैं सर, जबानी, अगर मैं आप मेरे को अभी बोले कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से शाइलॉक की स्पीच सुनाओ, तो मैं अभी आपको सुना दूंगा, he has hindered me and disgraced me, half a million laugh at my losses, mocked my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, and what's reason? I'm a Jew, has on a Jew eyes, organs, dimensions, sense of affection, passions, fed with the same food, hurt by the same weapon, if you take a laugh, do not laugh, if you break out, do not bleed, and if you harm us, do not revenge, the will you teach me, I shall execute. So, if you say that Julius Caesar says now, Mark Antony's speech, when Caesar dies, then I'll tell you, Friends, Romans, countrymen, envy me, I come to marry Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is oft ended with their bones. So let it be with Caesar, the noble Brutus had told you, Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously had Caesar answered it. Yeah, and the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Come out and speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just. This speech is one of the greatest speeches by Mark Antony, and yes. Mark Antony in a very, very nice manner at the funeral of Julius Caesar changes the, the entire crowd. Crowd, suddenly they now know whom Brutus has killed. Yeh mera bhi favorite hai. मुझे भी अरे रोमन्स सर, मैंने आपके यूट्यूब पे कल मंटो को आपने कोट किया है जबरदस्त, बहुत जो है, और मैंने कमेंट भी डाला सर, मंटो ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी देह से आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी, रात के 12 बज चुके थे, शहर का वातावरण एक रसमयी शहर, तो वो सब को जबाने आते हैं, लाइक आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, तुम्हें मालूम पड़ा विशाल भारद्वाज कॉमन है, मैंने पूरा मंटो जो है स्कूल में पढ़ लिया पूरा, सर, और पूरा खुशवंत सिंह, पूरा टैगोर, अरे लवली चंद्र चटर्जी, पूरा मुंशी प्रेमचंद, ये सब पढ़ा, तो हम तो मैं मुझे भी थिएटर में बहुत इंटरेस्ट था,
और कोई लोग पूछते रहे तुम्हारा ऑप्शन प्लान बी क्या था, अगर फौज नहीं लेती सीडीएस में नहीं करते तो क्या करते, तो हमेशा कहता हूँ मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करता या मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाके एक्टर बनता, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन माई स्कूल एंड माई कॉलेज आई हैड क्रिएटेड अ नेम फॉर माई सेल्फ इन एक्टिंग एंड इन राइटिंग, तो ये सब चीजों का बहुत शौक था, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है अगर आप इफ यू कैन परफॉर्म ऑन स्टेज, तो आपने देख लिया मोहम्मद अली शाह के सामने सब, तो अच्छा हैदर की बात बताओ विशाल भारद्वाज से कैसे मिले? तो सर मेरे को मालूम पड़ा कि विशाल भारद्वाज कश्मीर में हैमलेट इन कश्मीर बना रहे हैं, और हैमलेट तो मैं पढ़ चुका था, जबान नहीं आती थी, पीछे से आप रात के 2 बजे भी उठा दें जगा दें नींद से, बोले हैंड स्टैंड करो और हैमलेट की लाइनें सुनाओ, तो मैं आपको हैमलेट सुना दूंगा वहीं पे, टू बी और नॉट टू बी और यू नो, तो मुझे मालूम पड़ गया विशाल भारद्वाज, तो मैं बम्बई गया। अब बम्बई में मैं पृथ्वी थिएटर में बैठा हुआ था, वहां पे विशाल भारद्वाज आए थे और वो चले गए, वहां से आए कुछ टिकट्स लिए थिएटर के प्ले के चले गए, मैंने उनका पीछा किया फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहले दिन बम्बई में आते हुए, और पीछा करते करते ऑटो रिक्शा में पीछा कर रहा हूँ, और वो बड़ी गाड़ी में थे और इम्पोर्टेड गाड़ी में, और मैं पीछे ऑटो रिक्शा में करके फौजी स्टाइल में लाइक सीएमपी टाइप करते ना वो पायलटिंग, उस तरीके से पीछा करते हुए करते मैं उनके उनके दफ्तर तक पहुंचा उनके, और सर वो कितना टाइम हो जाए जब वो गाड़ी से उतरेंगे बिल्डिंग में एंटर करेंगे तो वहीं पकड़ लो ना, तो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड मैं इतना ही टाइम बहुत है फॉर अ गो गेटर, जिसको कुछ करना होता है उसको उतना ही टाइम बहुत है, जिसको नहीं करना होगा वो 15 साल में भी नहीं कर पाएगा, तो मैं कहा ये 15 सेकंड में मैं कर दूंगा, तो मैं उनके पास गया, वही अपना फौज का स्टाइल है सर, हम सीखे थे फौज में जैन साहब वाला, तो मैं उसके पास गया, वही जैन साहब है, जैन साहब तो नहीं बोला था ऑब्वियसली, मतलब उसी स्टाइल में मैं बात की और मीटिंग हुई, तो मैंने विशाल भारद्वाज को ऐसे मार्केट करा, मैंने सर अगर आप कश्मीर में फिल्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें फौज का जिक्र तो पक्का ही होएगा, और आप अगर ढूंढने भी जाएंगे ना मार्केट में बंबई में इंडस्ट्री में आपको कोई एक्टर नहीं मिलेगा जो थिएटर भी करता है और जो वर्दी वाला भी हो फौज में भी रह चुका हो, यही नहीं विफिम, एक चीज हमें कॉर्पोरेट में सिखाई जाती है विफिम, व्हाट इज इट फॉर मी, अगर मैं ये काम करूं तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मैं क्यों ये काम, मैं क्यों आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करूं, मुझे क्या फायदा होगा, यू विल गेट नॉलेज यू विल गेट कंटेंट यू विल नो, तो वो जब तक वो फायदा नहीं होगा मैं क्यों सब्सक्राइब करूंगा, सो इट इज एंड आई एम वन ऑफ द इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू योर YouTube चैनल, यू नो दैट सर, तो वो विफिल मैंने विशाल भारद्वाज को दी, मैंने बोला सर अगर आप मेरे को लेंगे ना इस फिल्म में, आपने ऑडिशन लिए आप टेस्ट लिए मेरा, और मैं ही नहीं केवल मैं आपको हकीकत के फौजी लेकर आऊंगा जो आपकी फिल्म में एक्टिंग करेंगे, फौजी का सीन, आप रियलिस्टिक फिल्म मेकर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन चाहिए होगी, मैं कहा कोई परमिशन नहीं वो मैं जुगाड़ बिठाऊंगा, क्या जुगाड़, अच्छा इतना जुगाड़ तो फौज सिखा देती है, तो मैं जो एक्स सर्विसमैन थे ना जो मेरे यूनिट के पुराने बंदे थे जो रिटायर हो चुके हैं इनको परमिशन नहीं चाहिए, मुझे इतना सर अब आप एक एक्टर को बोलो बंदूक पकड़े और हमें बोलो, हमारी तो ट्रेनिंग है सर सालों की, इसमें वो लगते ही नहीं कहीं से सोल्जर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बना देते हैं पिक्चर, बट अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आगे फिर क्या हुआ? तो मैं कहता हूं आप अब इनको पता ही नहीं है सर, वो बिला पहनेंगे गार्ड्स का, रेनडियर डालेंगे आर्टिलरी का, यहाँ पे डालेंगे एएसी का, कुछ और मतलब उनका कुछ बेतरतीब है बहुत, तो महंगा मैं आपको बिल्कुल तरतीब से लाऊंगा और आपको हकीकत के फौजी लेके आऊंगा, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं सर, इसकी हमने पब्लिसिटी नहीं करी थी कि हैदर फिल्म में जितनी फौजियों हैं वो सब मेरे, मैंने प्लेटून खड़ी की थी वो मेरे बंदे हैं सर, वो मेरे एक्स, हाँ सर वो वर्दी वाले हैं रियल, और वो शूटिंग करने आए कश्मीर अपनी वर्दी लेके भी, अपने डीएमएस बूट्स लेके भी, अपना इक्विपमेंट लेके भी, अपना बूट बेल्ट अपने एफएस कैप सब कुछ लेके आए, और फिर वो सीन बहुत रियलिस्टिक हुआ, इस फिल्म को 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले, फिर तिग्मांशु दुलिया ने मेरे को देखा हैदर में, उन्होंने साइन किया मेरे को 11 में जो कि Z5 पे है, और एक अवरोध एक वेब सीरीज है उसने पैरा कमांडो की भूमिका करी है, तो मैंने मैरून बेरे अकेडमी में नहीं पहनी, मैंने एज अ पैरा कमांडो तो नहीं बना रियल लाइफ में, मगर रियल लाइफ में पहन ली अवरोध जो वेब सीरीज आई है सोनी लिव पे, उसमें मैं पैरा कमांडो बनाऊँ, वी गो अक्रॉस द बॉर्डर फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो वो तो खैर हम, तो दैट इज हाउ माय हैदर किया और बाकी पिछले करी मैंने, मतलब स्कूल में आप यू आर इनटू एक्टिंग और अभी भी आपको अगर मार्क एंटनी याद है, उसके बाद आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपने एनसीसी करी, एनसीसी के कैंप करे, उसके बाद आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से चेन्नई पहुंचे, चेन्नई से आपको आर्टिलरी में गए है ना, एंड वहां से आप असम राइफल चले गए, जबकि 5 साल के टेन्योर में जनरली क्या होता है आप एक ही यूनिट से वो होते, बट आप नागालैंड पूरा नॉर्थ ईस्ट भी किया और वहां से आप आगे
रिपब्लिक डे परेड कर ली, और फिर 5 साल में आपने बोला थैंक यू वेरी मच जय हिंद फौज को, मैं अपना काम करूंगा। आपने वहां पकड़ लिया विशाल भारद्वाज बॉम्बे में, फिर हैदर पिक्चर करी, हैदर पिक्चर में बंदे अपने अपने वो करे। भाई आपको मानना पड़ेगा ये एनर्जी कहाँ से आती है मोहम्मद अली शाह, जरा ये बताएं ये शख्स क्या है आप में, कहाँ से? जब भी मैं मिलता हूँ मुझे मैं भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ तुमको देख के। अरे सर शुक्रिया, बहुत रियली मीन द लॉट सर, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, यू आर माय रोल मॉडल इन फैक्ट। सर बात ऐसी है कि जितनी ठोकर इंसान खाता है, जितने बार गिरता है इंसान, उतने बार वो और मजबूती से खड़ा होना सीख लेता है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैंने दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडएक्स टॉक इसलिए दिए हैं सर, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या वाइज हूँ या इंटेलिजेंट हूँ या टैलेंटेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं हूँ सर। मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जितने में लोग सुनते हैं मेरे को या मुझे देखते हैं, उनसे ज्यादा गलतियां करी हैं दुनिया में सर, उनके उनसे ज्यादा जिलतें सही है मैंने, उनसे ज्यादा ह्यूमिलेशन, स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, हार्ट ब्रेक्स उनसे ज्यादा देखे हैं। आपने ढेरों बोरी भर के फेलियर्स देखे हैं जिंदगी में। जी सर, और जी आज सर वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ टेडएक्स टॉक्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टेडएक्स टॉक मैंने एक करी है, और मैं लिखता हूं आई एम अ टेडएक्स स्पीकर। इसने पता नहीं कितने टॉक किए तुमने टेडएक्स टॉक सर, 17 सर हिंदुस्तान के बाहर, 17 सर। So now I have one record to break. Let me see. 17 YouTube पे है सर, 17 YouTube पे है TEDx Talks, और भी आ रही है YouTube पे TEDx Talks, और मगर इंटरेस्टिंग सर, मगर जब हिंदुस्तान बताओ आपने TEDx Talk पे बात करेंगे 2 मिनट, किस टाइप के सब्जेक्ट्स आपने डील किया, क्योंकि TEDx का एक फॉर्मेट होता है कि आपने कितने 14 मिनट का होता है या कितने मिनट का होता है, उतने में खत्म करना है, किस टाइप से, उसका थोड़ा बताओ जर्नी कैसे रहा ये सर। ये 18 मिनट तक आपको अपनी टॉक खत्म करनी होती है, और मैंने सारी टॉक्स अपनी अलग अलग विषय पे दी है, अलग अलग, कहीं पे कोई एक दो विषय मैंने दोहराए नहीं वहां पे कहीं पे भी। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि भी मैं इतना कामयाब कैसे हुआ, मैं बोला उसमें माय फेलियर स्टोरी, मैं कितने बार मरतबा फेल हुआ और मैं फेल होके भी कैसे उठा मैं। सर जापान को देख लीजिए सर, हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद तो जल गया था बिल्कुल, इट रोज फ्रॉम द एशेस। उसके बाद जापान आज की तारीख में इतना बड़ा पावर बन के बैठा है, इकोनॉमी में बूम कर रहा है। आपने भी इसका वीडियो निकाला है इसके बारे में, मैंने उसका जिक्र किया कि आप जिक्र किया, सीख लेनी चाहिए जापान से, कोरिया से, जर्मनी से, जो बिल्कुल खत्म, इनको इतनी ह्यूमिलिएट किया गया, इतना ह्यूमिलिएट, इतनी जिल्लत इन देशों को सही 1945 के बाद, आज देखो दे आर बैक इन स्ट्रेंथ, है ना जी। तो सर जी, आपके जो आपने जो फेलियर्स की बात की, तो कौन कौन सी इसके अलावा, ठीक है आपका स्कूल में एनडीए नहीं कर पाए आप, और क्या जिंदगी में आपको लगता जहां आपको लगा कि फेलियर्स ने आपको सिखाया कुछ, आज जो आप बने हैं इतने मशहूर हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, और अन अकेडमी के शो पे लाइव हैं, तो आप बताइए कौन कौन से वो फेलियर्स हैं मोटे तौर पर। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा अचीवमेंट, एक तो मैं अचीवमेंट ये है कि मैं आज आपके साथ जनरल साहब के साथ बैठ के अन अकेडमी के शो पे हूँ, इतने प्यारे अच्छे बच्चों के साथ में, ये मेरा एक अचीवमेंट है, इसको मैं बहुत मानता हूँ सर। दिस इज समथिंग व्हिच इज समथिंग आई जेन्युइनली रिलिश विद सर, आई जेन्युइनली, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, आई एक्चुअली मीन इट। अब सर बात करते हैं मैं मेरे फेलियर्स की सर, कुछ अब एक बच्चे होते हैं जो बचपन में बोल नहीं पाते हैं सर, बोलना बहुत देर से सीखते हैं, और जब बोलना सीखते भी हैं तब भी हकलाते हैं, तुतलाते हैं, अटक अटक के बातें करते हैं, रुक जाते हैं, वो बोल अपना नाम बोलने में शर्माते हैं, कोई बेटा यहाँ हो तुम्हारा नाम क्या है, हे, तो वो बच्चा मैं था सर। मैं बहुत मेरे से मेरी और मेरी इतनी पतली आवाज थी मेरी, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अंटिल अ कपल ऑफ इयर्स बैक, कपल ऑफ इयर्स अंटिल बिफोर जॉइन द आर्मी इन फैक्ट आई वुड से, इतनी पतली आवाज थी, कोई अगर सुन लेगा इस कमरे में तो सोचेगा अरे या तो कोई बच्चे बातें कर रहे हैं या तो कोई लड़की आई हुई है शायद वहां पे। और भाई एक लड़की को सर मेरे को इंप्रेस करना था, है उस लड़की को बड़ी मैनली आवाज भी पसंद थी बहुत, तो मैंने कहा भाई मैं इतनी पतली सी आवाज लड़की को तुमने इंप्रेस करने का कॉलेज में सोचा या स्कूल में सोच लिया था? स्कूल में क्योंकि जब मैं क्लास 7th में था, जब मैं 13 बर्थडे अपनी हुई थी मेरी और मैं टीनेजर बना था, तो जब मैं स्टेज पे गया सर तो एक बहुत ही एक खूबसूरत मोहतरमा फर्स्ट रो में बैठी हुई थी, जिनपे मेरे को क्रश था बचपन में, वो टीनेजर में होता है क्रश उस टाइप का, तो जब मैंने उनको देखा तो वो हल्का वो भावनी की तरह दिखती थी, अपनी भावनी मात्र बैठी है ना, हल्की हल्की
दिखने में भी है। तो जब मैं उनको जब देखा तो मैं अपनी लाइनें भूल गया सर, मेरे को होश उड़ गए बिल्कुल, और ऐसा लगा कि भाई धरती खुल जाए, मैं इसमें कूद जाऊं, हाथ पैर ठंडे हो गए और कानों में से बुन आवाजें आ रही है और सब मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। अब मैं समझ में आया करूं क्या, मैं बस बोला धन्यवाद। और मैं पोएम सुना रहा था, ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह जी सर, जरा अगर कोई दो चार लाइन याद। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, उसके बाद मेरी फेवरेट कविता बन गई है। सर सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से सांपार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता ये हम सबके लिए है यहाँ पे है, सुनिए, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। बिल्कुल, वो आपको कहीं ना कहीं लेके जा रही है असफलता। सिर्फ डीमोरलाइज नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, अपने आप को कम नहीं आंकना है। मैं हमेशा बच्चों कहता हूँ, चांसेस ऑफ की कोई दूसरा आपकी तरह होगा 1 in a billion चांस है। आप सब नायाब हैं, एक ही पेट से पैदा होके भी दो भाई बहन अलग होते हैं, एक ही मदर के, एक ही पेरेंट के बच्चे भी दोनों अलग होते हैं, अलग अलग जरूरत के होते हैं। तो हर इंसान जिसने जन्म लिया ना, आप नायाब हैं, आप बहुत खूबसूरत नेचर का, प्रकृति का एक जो है, यू आर अ वंडरफुल क्रीचर, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। तो अपनी ब्यूटी को देखो, इनर ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को, बी अ गुड पर्सन। इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप होता है फेलियर्स वालों के पास, और जो सक्सीड करते रहते हैं ना, क्लास में फर्स्ट आते रहते हैं, वो मैंने देखा बाद में फिर वो उनके लिए बहुत मुश्किल है उठना। बट मेरे जैसे और मोहम्मद अली शाह जैसे जो पहले ही लास्ट लाइन में बैठते थे और वर्क नहीं करते थे और मैथ्स का जब पीरियड होता है, टेबल के नीचे हो जाते थे। और यही वजह थी सर खास, क्योंकि आपको मेरा एनडीए में नहीं हो पाया, क्योंकि एनडीए में मैथ्स थी ना सर, तो मेरा भी मैथ्स में ही था, मुझे भी मैथ्स में प्रॉब्लम था। तो जब मैथ्स का हुआ ना, 10th का पेपर हुआ मैथ्स का, मैंने 1979 में 10th किया, 1979 में, तो मैंने देख लिया पेपर करके कि हाँ 48 से 50 नंबर आ जाएंगे मैथ्स में, कि पास हो जाऊंगा, फेल नहीं, रिपीट नहीं करूंगा। तो मैंने सच में जो है ना, क्योंकि इंग्लिश का मैं स्टूडेंट था, बहुत बुक्स बहुत पढ़ता था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ने का वही रहती थी मेरे टेबल पे, मेरे हर जगह ये वो। तो मैंने सबसे पहले अपनी मैथ्स की किताबें ली और ऐसे फेंक दी खिड़की से, आई सेड देयर यू गो आउट ऑफ द विंडो नेवर अगेन। सर मैं आपको एक बहुत अपना बहुत प्यारा फेलियर बताऊंगा, सक्सेस नहीं, फेलियर, बहुत प्यारा वाला। सर मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर में, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई मेरी बात को यकीन नहीं मानेगा, इस बात को सोचिएगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ, मैं सर कसम खा रहा हूँ सच में। और मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अपनी डिग्री अगर आप चाहें तो, और मैं सोशल मीडिया में लगाने में अभी शर्म नहीं है कोई भी, या पूरा यूनिवर्सिटी कोई क्रॉस चेक कर ले सर। सर मेरे को, मैं अंग्रेजी में फेल हो गया था कॉलेज में, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, सेकंड ईयर में, 1999, और मैंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है सर, मैं फेल नहीं हुआ 33% से, मेरे को 100 में से 1 अंक आया था सर अंग्रेजी में। Don't tell me. Yes. 1 out of 100 in English. तो तुमने नाम लिख देते तो 10 नंबर दे देते वो पेपर में। अगर अपना नाम लिख दिया और कॉलेज लिख दिया तो 10 नंबर तो वैसे दे देते हैं कहीं। सर आयरनी इज, मैंने 100 में से 100 नंबर अटेम्प्ट किए थे मैंने। 100 में से 100 नंबर अटेम्प्ट करने के बाद जब नोटिस बोर्ड पे आई रिजल्ट 001/100, लोगों ने हंसे लगे, बोले नहीं, ये 100 में से 100 होगा, रिवैल्यूएशन के लिए भेजो। तो मैं अच्छा, तो मैं हवा में उनकी उनकी बातों में आ गया, मैं रिवैल्यूएशन के लिए भेजा कि भाई रिवैल्यूएशन रिजल्ट आएगी, 100 में से 100 ही आएंगे मेरे, एक नंबर नहीं आता किसी का। रिवैल्यूएशन में आया, नो चेंज, यू हैव 1 out of 100 in English। तो ये मेरा बहुत प्यारा फेलियर था एक्चुअली। आज
आज वो जो सुन ले तुम्हारी इंग्लिश तो कहेंगे यार ये कहां से बंदा, कौन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया अंग्रेजी। एक्चुअली सर हमने जैसे आपने हमने अपने आप पे मेहनत बहुत करी उसके बाद और हमने हार नहीं मानी सर। वी नेवर क्विट लाइक व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। खासकर इस पैंडेमिक के लिए हम सबके लिए मैं सुनाऊंगा एक कविता। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रेवलिंग सीम्स ऑल अपहिल, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but have to sigh, when cares pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. Life is queer with its twists and turns and all of us sometimes learn, and many a person turns about when he might have won had he stuck it out. So don't quit, though the pay seems slow, you may win with another blow. Often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup, and he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint in the cloud of doubt, and you never can tell how close you are, it might be near when it seems afar. So stick to the fight when your heart is hit. It's when things seem worst, you must not quit. और फेलियर का मतलब है फेल, जब जो मैं बहुत बार हुआ हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ओह, दिस इज न्यूज, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जी सर, इसलिए प्लीज फेल फेल होना है, जल्दी फेल हो जाओ सो दैट यू कैन राइज अप एंड देन यू स्टार्ट ऑन योर जर्नी, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। जो जिंदगी में जल्दी फेलियर देख लेते हैं, सबका कोटा फिक्स्ड आई थिंक फेलियर का ना कहीं एक हिसाब किताब सबको मिलता है थोड़ा बहुत, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता है ना। सही बात है, सही बात है। अरे परेशान हो गया, लाइफ इज एंडेड, इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, मैं भाई इसमें फेल हो गया या मैं एसएसबी में पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, एंड हो गया ना, एंड एन एंडेवर और एन एफर्ट नेवर डाइज। तो अगर हम कोशिश करते रहेंगे ना भाई, दीवार को मारते रहिए दोस्तों, दीवार को मारते रहिए, दीवार में छेद कब तक नहीं होएगा देखते हैं, अरे भाई देख लेंगे हैं। अगर आप खुद को चैलेंज करेंगे ना, अगर आप फितर क्या है वो पत्थर मारो तो सही, कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता, क्या है शेर है बहुत बहुत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ लोग कह रहे हैं यू आर बेटर देन एनी एक्टर, तो तुम अपने अपने चाचा नसीरुद्दीन शाह की तो नहीं बुढ़ापे में जॉब ले लोगे एक्टिंग वुक्टिंग का? सर वो बड़े खुश होंगे, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी और ये बात आपने भी समझाई थी दरअसल एक फोन पे, कि दरअसल एक किसी गुरु को खुशी सबसे ज्यादा तब होती है वो देखता है अपना चेला उसके आगे निकल रहा होता है। जैसे सर कैप्टन रघु रमन की मैं एक टॉक सुन रहा था, वो बता रहे थे कि भाई वो जोश टॉक उनकी, जब वो फायरिंग के लिए गए तो उनके उस्ताद उनके बाजू में थे, उस्ताद ने उनको बोला कि भाई आज तो जीत मेरी होने वाली है, उन्हें कैप्टन रघु रमन ने बोला हवलदार नायर को उनके उस्ताद को, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं देखो आप जीते, अगर मैं जीता तो मैं जीता है, आप जीते तब भी मैं जीता, क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने की थी। तो सो व्हाट यू सेड इज राइट सर, एब्सोल्युटली नो, सो ही वुड फील वेरी प्राउड, ही विल फील वेरी हैप्पी टू हियर दिस, इनफैक्ट आई मस्ट सेंड हिम दिस क्लिपिंग, ही विल फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस। So, someday maybe we will have a show with him. Eh? Yes. हाँ, sooner or later, है ना? Brilliant idea, brilliant idea, brilliant idea. तो ये तो बहुत मजा आया failures जिंदगी के, और इतनी आपने अच्छी अच्छी बातें बताई। अब कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं आप जरा बहुत सिंपल भाषा में इंग्लिश में समझाओ कि आपने हिंदी से अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करी, और आज इतने वर्सटाइल आप इंग्लिश स्पीकर हो, न्यूज एक्स वाले सब आपकी बातें सुनते रहते हैं, मैं देखता हूँ प्रोग्राम में, वो सबको रोक के नहीं 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 मेजर शाह नहीं, यू हैव टू स्पीक सम मोर, अभी बताओ आप जरा आपने हिजाब पे बड़ी अच्छे कमेंट्स दिए, मैं देख रहा था उस दिन आपका प्रोग्राम, तो जरा बताओ अपने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करिए, बच्चे जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में खासतौर पर जो बच्चे यू नो लोअर मिडिल क्लास के हैं, गाँव देहात के हैं, फौजियों के बच्चे हैं, इंग्लिश थोड़ा सा हाथ तंग है, तो वॉट डिड यू डू? सर दरअसल बात ऐसी है, जब हम एसएसबी के लिए जाते हैं ना, हम लोग फोकस करते हैं जीडीओ पे, साइकोलॉजिस्ट पे, इंटरव्यू पे, इस पे उस पे, पर एक बहुत अहम मुद्दा हमारे से छूट जाता है, वो है लेक्चरेट का, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का,
कि आप एड्रेस कैसे करते हैं, आप मोटिवेट कैसे करते हैं, आप अगर अपने जवानों के सामने, अपने ट्रूप के सामने खड़े हुए हैं, आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि वो जाएं अटैक के लिए और आपको फॉलो करेंगे। आप में वो लीडरशिप उसकी होनी चाहिए कि मालूम है कारगिल में हमारे यंगस्टर्स ने क्या था, जवानों को मालूम था कि हो सकता है वो कल ना देखें, लेकिन फिर भी अपने कैप्टन साहब, लेफ्टिनेंट साहब, अपने ऑफिसर को वो फॉलो करते रहे आगे तक, नहीं हम अपने साहब के पीछे आएंगे कुछ भी हो। तो वो होते ही कम्युनिकेशन स्किल से आती है। जितने भी ग्रेट ओरेटर्स हैं, जितने ग्रेट जनरल्स हैं, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, सब में एक चीज कॉमन है, वो है ओरेटरी स्किल्स। वो बोल पाते हैं अच्छे से। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब भी जो है, नरेंद्र मोदी साहब, वो अच्छे से बोल पाते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। जितने कोई भी कहीं पे भी आप, सर मैं आई एम नॉट अ ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ हिटलर, बट स्टिल आई विल टेल यू, हिटलर की क्वालिटी क्या थी कि वो कन्विंस कर पाता था लोगों को मासेस में बातें करके, उनकी स्पीचेस से के जरिए। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या क्वालिटी थी, वो अच्छे से बोल पाते। मुसोलिनी की क्या क्वालिटी थी, ही कुड स्पीक। सर जनरल मॉन्टगोमरी, ही कुड स्पीक। जितने भी लीडर्स हुए हैं, ये दिस इज अ क्वालिटी, मस्ट क्वालिटी इन अ लीडर, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल से आप कन्विंस करना है आपने अपने ट्रुप्स को, ये काम क्यों कर रहे हैं, वो काम क्यों कर रहे हो आप, और ये हुक्म आप दे रहे हो तो इसके पीछे क्या क्या मुद्दा, क्या उसके पीछे, चाहे वो पीटी के टाइम पे आप उनको फायरमैन लिफ्ट सिखा रहे हो, या बीपीटी दौड़ रहे हो, या रोप क्लाइंबिंग करा रहे हो, या आप उनको जो है मोर्चे खोद रहे हो, डिफेंस सिखाना है, अटैक सिखाना है, इस टाइप की चीजें, तो दे मस्ट बी कन्विंस। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत जरूरी है, और ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि आप बहुत से बच्चे एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे, तो इट इज नॉट ओनली वर्बल, इट इज ऑल्सो एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू कन्वे योर फीलिंग्स, योर थॉट्स एंड योर इंटेंट बाय राइटिंग। सो सिंपल राइटिंग में अगर आप एक दो पैराग्राफ में अपनी बात कह सकते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तो कैसे किया बताना अपने इंग्लिश, उस पर तो आप रहेंगे कैसे, हाउ डू दे इम्प्रूव इंग्लिश। सर सबसे पहली चीज, सबसे मैंने खुद अपने अंतर्ग्रीवान में झांके देखा और सोचा कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है, वो मैंने आइडेंटिफाई करे, वो मैंने लिस्ट आउट करे कागज पे, बकायदा मैंने जो डाउन करे। अब जो मेरी कमजोरियां थी वो थी कि भाई पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब था मेरा, और अंग्रेजी खराब थी मेरी, और अटकट के बोला कर रहा था। तो मैं वो समझ गया, हाँ पहला काम कि बेड़ा पार तब हुआ जब मैं वो बात समझ गया, वो बात मैं उससे मैंने दोस्ती कर ली कि भाई हाँ मैं इसमें कमजोर हूं, लेट्स एक्सेप्ट इट। कोई अगर बुराई करेगा, मजाक उड़ाएगा, भला बड़ा बोलेगा, तो कोई दुश्मन नहीं है मेरा, वो मेरा मेरी बेहतरी चाह रहा है, इसलिए मेरे को बता रहा है, दैट्स व्हाई इज बीइंग क्रिटिकल। ठीक है, अब मैं जब मैं वो बात समझ गया, इसलिए एक डॉक्टर भी वो पल जब समझेगा बीमारी क्या है, तभी वो इलाज कर पाएगा। सर अब डॉक्टर समझ नहीं पाएगा कि आपको जॉन्डिस हुआ है और आप दवाई दे रहे हो टाइफॉइड की या मलेरिया की, तो जब तक आप डायग्नोस कर लोगे, तो मैं डायग्नोस कर लिया, ये सबसे रूट कॉज मैं वहीं पकड़ लिया। उसके बाद मैंने डायग्नोस करने के बाद अखबार लेता था मैं रोज अंग्रेजी का, आईने के आगे बैठता था और एक पेंसिल मुंह में रख के यू लव यू ताकि मुंह में अटके, और मैं उसको जोर जोर से पढ़ा करने की कोशिश, मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा पढ़ा करता था, पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा था ठीक से, तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो फिर वही, फिर मैंने हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, पंजाबी में, अलग अलग लहजे में मैंने बोलना सीखा। जैसे कि पंजाबी में थोड़ी बहुत सीखी मैंने, पोरावे कर ले रे है, किताबा लेने देना कुछ, ओए वड्या नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए, गुरुवानों मुड़ के नहीं रख। तो उस तरीके से पंजाबी भी, जाट भाषा भी बोलनी आ गई, तो अलग अलग भाषाओं में वही चीजें रो रो के, हंस हंस के, तेज तेज फुसफुसा के, अपने आप को मैं टाइम करता था, ठीक है ये बोलना है और एक पैराग्राफ एक मिनट में कंप्लीट करना है, कर दिया। फिर उसको और तेज बोलना है, और तेज बोलना है, और तेज बोलना है करके, फिर 30 सेकंड में 20 सेकंड में फिर 10 सेकंड में। मकसद ये नहीं था कि मैं तेज बोलूं, ना ना ना, मकसद ये था कि मैं प्रैक्टिस करूं। फर्ज करिए कि मैं दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है 100 मीटर की, और मैं 100 मीटर दौड़ता हूं 14 सेकंड में, अब मेरे को दौड़ना है वो 12 सेकंड में, तो मैं एक वजन डालूंगा, पिटू जोड़ा डालूंगा, एक राइफल लूंगा, वजन बढ़ाऊंगा और फिर दौड़ूंगा, अपना वजन नहीं, वजन बैकपैक का, और फिर मैं उसके बाद जब मैं वजन उतार दूंगा तो मैं उड़ूंगा उस पर। तो उसीलिए मैं उसको अपना काम और मुश्किल करा कि अंग्रेजी में भी एक एक लफ्ज मैं अच्छे से बोल पाऊं, कॉमा समझ लूं, फुल स्टॉप समझ लूं, एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है वो समझ लूं, क्वेश्चन मार्क कब लगता है वो समझ लूं, एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है वो समझ लूं, अंडरलाइन हाईलाइट कब करते हैं वो समझ लूं, और उस हिसाब से मैं बोलूं। और थिएटर बहुत किया मैंने प्लेस बहुत करे। ये तो कब था ये बताओ, क्योंकि बच्चे काफी लाइव या
तकरीबन 400 तो YouTube पे हैं, ठीक है, हाँ, तो वहां पे बहुत सवाल है, इनसे बाद में बात करेंगे, बट YouTube वालों, ये सारे YMU के बच्चे हैं वे सर, YMU rocks, ये मेरी क्लास चेक करते हैं, फ्री क्लासेस जो मेरी स्पेशल लाइक YMU rocks, YMU rocks, माय फादर वाज वाइस चांसलर ऑफ AMU एंड आई वुड से हियर वी हैव, अगर ये बच्चे आपकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो नुकसान इनका ही होगा, जो आपकी क्लास अटेंड नहीं, सर मैं अटेंड करता हूं आपके, आप अक्सर देखते होंगे आपके लाइव्स में, मैं आता हूं कमेंट भी करता हूं सर, और मैं कमेंट करता हूं तो आपके बच्चे भी वो मेरे कमेंट का जवाब लिखते हैं, अरे ग्रेट टू हियर, क्योंकि मैं आपके सेशन देख के सीखता हूं सर। तो ये बताओ, ये सब जो आप कर रहे हो, आप थिएटर भी कर रहे थे, इंग्लिश भी सीख रहे थे, ये किस दौर में था, आप स्कूल से या कॉलेज के बीच में या कॉलेज के टाइम पे, फर्गुसन कॉलेज में, तब तो आप लड़कियों को प्रपोज करने के चक्कर में थे, सब कहाँ टाइम मिल रहा था आपको सब? सर मैं दरअसल 12वीं में था उस टाइम पे, जब मैं अपने आप पे काम करना शुरू किया, जब मैंने प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिफाई कर ली कि भाई ये मेरे में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं दवाई खा ली या जादू मंत्र फूंक दिया और आप सही हो गए रात रात, सुबह को आप जाओगे तो आप दौड़ोगे ना, इसमें महीने भी नहीं साल लग जाते हैं अपने आप पे काम करते 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 करते, तब जाके एक नतीजा सामने थोड़ा बहुत निकलना शुरू होता है, तो पेशेंट सब्र बहुत जरूरी है। तो अपने आप पे जब मैं काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद अगर 1999 में मैं स्कूल पास आउट हुआ, 1999 में मैं मिस्टर पुणे का खिताब जीता मैंने, और तब जी सर, और मेरा एनडीए में दाखिला नहीं हुआ था, तो जितने भी लड़कियां थी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी एक्चुअली, जब मैं शादी से पहले या कॉलेज में या स्कूल के दौरान, क्योंकि किसी लड़की ने प्रपोज अगर करें भी, तो कल वैलेंटाइंस डे है, हर कोई ढूंढता है कोई वैलेंटाइन मिल जाए मेरे को, है वैलेंटाइन डे, हाँ सर, तो ये था कि देश का माहौल ऐसे, बच के रहना चाहिए सबको, तो ये था कि अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए ना, अगर गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो भाई लोग हंसेंगे, बोले भाई गर्लफ्रेंड नहीं है कि क्या है इसके प्रॉब्लम है यार, भाई सीसी कैरेक्टर, मैं एकेडमी में, एकेडमी में जब मैं जूनियर टर्म में था, मैं सीधे बोलते थे कम यार बड़ी जोकर स्टैंड यार, मैं ये काम नहीं, एंड से आई हैव नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड, आई एम अ ब्लडी सीसी कैरेक्टर, ऐसे करके सीधे बोलते थे मेरे, एज पार्ट ऑफ योर रगड़ा, एज पार्ट ऑफ योर रगड़ा, जी सर जी, तो मैंने कहा तो ये सब आपने मतलब यू आर डूइंग दिस कम्युनिकेशन स्किल्स आप इंप्रूव कर रहे थे जब आप कॉलेज में थे और थिएटर भी कर रहे थे, जी सर जी जी जी, तो फिर जब मैं कॉलेज किस साल किया, व्हिच ईयर डिड यू क्लियर योर कॉलेज? सर मैं 98 में 12वीं करने के बाद पुणे आया, 2001 में मैंने 3 साल के बाद क्लियर किया, लकली मैंने कॉलेज अपनी ग्रेजुएशन अपनी 3 साल में कंप्लीट कर ली, मैंने 4 साल ही लगाए, 3 साल में हो गई, कोई बैच नहीं था उसमें, तो ये भी अचीवमेंट था एक तरीके से। अच्छा, और जब हम कॉलेज में थे उस टाइम पे ये था कि भाई जितनी भी संडेज को ना हम देखते बड़े स्मार्ट ऐसे हेयरकट लेके व्हाइट शर्ट टाई पहन के मफ्तीज में एनडीए कैरेट ट्राई करते थे, और जितनी भी लड़कियां थी हमारे कॉलेज की सब दिखती, अरे 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 वो दीवानी थी उनकी, अरे वो देखो वो देखो वो देखो एनडीए कैरेट, उनको देख के उसके लिए एनडीए बॉल के लिए शायद इनवाइट मिल जाए, यस यस, और उनको देख के ऐसी जलन होती थी कि अगर हमारा एनडीए हो जाता था, हो सकता है कि हम भी अगर संडे को बाहर निकलते कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज की, सेंट मॉरिसस कॉलेज की, या वाडिया कॉलेज की, या पूना कॉलेज की, या मॉडर्न कॉलेज की लड़के हमको भी हमको देखे, लेकिन ऐसी ऐसा तो था नहीं कि अगर करेंगे तो सब वो ये बोलते हैं भाव याद है, हकलाता है तो तलाता है, ठीक से अटके बातें नहीं करता है, और कहते अंग्रेजी से बोलनी नहीं आती इसको, पतली सी दबी हुई आवाज है, तो क्यों कोई है। तो उसके बाद अपने पास जब काम करना शुरू करा मैंने तो साल लग गए, एक तो अंग्रेजी, फिर मैंने कोई स्पेशल क्लासेस के लिए नहीं गया, कोचिंग लेने के लिए मैं इंग्लिश, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई विल टेल यू सर, आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर को ले आओ हमारे आगे, मेरे आगे नहीं, आपके आगे भी, सबके आगे भी, और अंकित के आगे, सनोनी के आगे, या आदर्श आदर्श सबके आगे है सर, वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है, जिस तरीके से आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, तो वो मोटिवेशन खुद अपने आप से स्टार्ट होता है, इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड हाफ द बैटल इज वन थereafter। मैं यही कहता हूं, डोंट लुक एट एक्सटर्नल फैक्टर्स टू मोटिवेट यू, ये exactly. अपने अपने जमीर के अंदर, वो मैं कहता हूँ फायर इन दी बेली एंड पैशन इन दी हार्ट, ठीक है, वो आग ना सुलगा के रखनी चाहिए, यहाँ फेल हो गए कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक चांस रह गया, रिटर्न नहीं हुआ, फिर एसएसबी नहीं, कोई बात नहीं, उसको आग को आपने बुझने नहीं देना, फायर इन दी बेली, वो आग थोड़ी थोड़ी सुलगती रहनी चाहिए, तभी इंसान में ना अपने आप को और सेल्फ मोटिवेटेड, कोई ना कोई कॉज आपने ढूंढने, जो चीज आपको ना
आप इंजॉय करें, इसीलिए हॉबीज बहुत जरूरी है, इसीलिए फिटनेस बहुत जरूरी है, इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है, इसलिए दोस्त बहुत जरूरी है, दोस्त बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त होने चाहिए, जो व्हेन चिप्स आर डाउन उस तक घर वाले भी कहें ये बेकार है, इसे कुछ नहीं होना, तुमने कहां इतने पैसे लगा दिए, बट दोस्त ऐसे होते हैं वो कहे कोई गल नहीं यार आ जा, जी सर चल पिक्चर चलते और उसके बाद फिर मैं उसको जोर से पढ़ा करता था, फिर मैं कॉलेज में पार्ट लिया तब। अच्छा अकेडमी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मैं ओटीए गया था सर फर्स्ट टर्म में अपने डिबेट में, एक मैसेज है मैं आपको भेजता हूँ, अपने कंपनी मास्टर को भेजा था, अभी मैं इफ आई वुड लव टू सेंड इट टू यू इन फैक्ट राइट नाउ, एंड आप अगर उसको पढ़ लेंगे सर जोर से तो इट विल बी ग्रेट सर। एक मिनट, आप पढ़े, मैं पढ़ूंगा तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। ये मैंने अपने कंपनी कमांडर को भेजा था सर, कल की बात है ये, ये ओटीवी जो कंपनी कमांडर साहब थे। ये देखो, ये मैं सर आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, एंड विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर माय कंपनी कमांडर, आई एम श्योर ही विल नॉट माइंड इट आल्सो, ही इज अ वेरी, वी आर वेरी कंपनी है। आप ओटीए में कौन सी कंपनी में थे? ओटीए में मैं था फ्लोरा कंपनी में सर। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट अभी जस्ट भेज रहा हूँ सर, एक बार आप इसको जोर से पढ़ लेगा सर मैं क्या लिखा है। ये आ गया आपके पास स्क्रीनशॉट, चेक करिए सर व्हाट्सएप सर। आ गया, आ गया। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम, गॉड ब्लेस योर बिलिंग, योर ब्लेसिंग्स बीन अ रियली लॉट। उसने उसके बाद मेजर मोहम्मद अली शाह ने अपने उनको क्या लिखा है, आई रिमेम्बर द टाइम और आई फॉरगॉट माई लाइन्स इन द डिबेट इन द जूनियर टीम, then you motivated me and I won a prize in the debate competition in the senior term and now I debate at national platforms, on national platform। ye jo apni line bhul gaye the junior term mein OTA ke andar debate competition mein uske liye aaj sorry kar rahe hain, senior term mein he won a prize and aaj national tv pe major mohammad ali shah chha jate hain, jab ye show mein hote hain to baki bol nahi pate क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंस इतनी है, वर्ड्स इतने अच्छे चुनते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी में बात करने की भी एक कला हर एक में नहीं होती है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हमारी जो भाषा है आमतौर पे, उसमें टू हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज, बच्चों दिस कैन ओनली कम बाय प्रैक्टिस, बाय रीडिंग 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 एंड यू नीड गुड मेंटर्स। ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था इसके बारे में, है ना। मेंटरशिप पे बताओ जरा कुछ, मैं ये बच्चों को बहुत बोलता हूँ, मेरी तो सुन के YMU में काफी सुनते रहते हैं, मेरी क्लासेस एन अकेडमी में बहुत बहुत पॉपुलर, स्पेशली जो फ्री क्लासेस हैं। अली मोहम्मद शाह ऐसे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर ली उन्होंने, कहते हैं एज फार एज करंट अफेयर्स कंसर्न जनरल यश मोर की क्लासेस हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सब्जेक्ट लो, लोग बोलने से डरते हैं, हम उन सब्जेक्ट्स पे हमने क्लासेस चला रखी है फ्री एंड फ्रैंक, ये हमारे बच्चों को हमने अच्छी ओपिनियन सिखानी है। सो यू टेल मी कि मेंटरशिप का व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटोर इन योर लाइफ एंड और ये इनके लिए क्या रोल हो सकता है मेंटोर का? सर बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। आज की तारीख में आपको, आप चैटिंग करते हैं, अरे आपको ऑनलाइन कोई मिल गया, आप चैटिंग करनी शुरू कर देंगे, आप हैं, आप या तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चैटिंग करनी शुरू हो जाएगी, तो वो नंबर भेजेंगी, बोलेंगी भाई लेट्स मीटअप, तो आप मिल रहे हैं ऑनलाइन, आप तक मिले, अब आप रियल लाइफ में मिलेंगे। आप उनसे पूछते हैं अभी लोकेशन भेजो, वो लोकेशन भेजती है व्हाट्सएप पे, आप निकल जाते हो मोटरसाइकिल, अपनी बाइक लेकर या जो भी अपनी गाड़ी लेकर आप निकल जाते हो, हैं? आप जीपीएस फॉलो करते हो एक रास्ता, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने वाला कोई है, आप तब आप उस रास्ते पे पहुंच पाते हो। आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप कैसे पहुंचोगे? आपको गुड़गांव से जाना है, आपको इंडिया गेट, आप पहुंच जाओगे फरीदाबाद। आपको जाना है अगर झुंझुनू से चोरू, आप पहुंच जाओगे सिक्कर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स एज टू इफ समवन हैज शोन यू द राइट वे, कोई आपको रास्ता दिखा दे, चलना तो आपको खुद है, चलोगे तो आप खुद, इस बेशक कोई बात नहीं, मगर रास्ता तो दिखाना बहुत जरूरी है। तो द रोल ऑफ अ मेंटोर, ऑफ अ गाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटोर गाइड का मतलब ये नहीं है कि आप बाकायदा किसी कहीं पे एनरोल करें, फॉर्म भरो और ना आपकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी,
आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी। और जब तक आपको की तैयारी नहीं है ना, आप बोल नहीं पाओगे दोस्तों। आपको ये मालूम होना चाहिए आज की तारीख में क्यों, जैसे सर बोल रहे हैं कि मैं टीवी चैनल पर बोलता हूं, भाई बड़े बड़े स्पीकर मैंने देखे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल आते हैं, देश विदेश के भी लोग बैठे हुए होते हैं पैनल में, मगर एंकर सबको चुप कर देते हैं। मैं हल्का मुंह खोलना है मेरे को, एंकर का लेट्स हियर मेजर मोहम्मद अली शाह, क्यों? इसलिए क्योंकि मैं पढ़ के जाता हूं, और जब मैं पढ़ के जाता हूं तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो चीखने पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। आप अक्सर देखते होंगे टीवी पे लोग चिल्ला रहे होते हैं बिग बॉस शो की तरह, लड़ाई झगड़ा ये वो, मैं बड़े मुस्कुरा के बैठ के आराम से मजे ले रहा होता हूँ, मुस्कुरा रहे हैं ठीक है, इनको पता नहीं है कुछ, इनको अभी हम बोलेंगे ना सब चुप हो जाएंगे। तो और मैंने बोला भी है ठीक है, मैं सबको सुना, अब मैं बोलूंगा सब चुप हो जाएंगे। और होता ये इसलिए क्योंकि मेरी आदत रही है बचपन से, और जब भी मैं कहीं पे सफर करता हूँ ना भैया, मेरे पास कम से कम 3 किताबें तो हमेशा रहती हैं जेब में या बैग में या कहीं पे, कहीं एयरपोर्ट लाउंज में चला गया कहीं पे, मैं पढ़ना स्टार्ट कर लूंगा। आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अच्छी हैबिट है, ऑलवेज ऑलवेज कैरी अ बुक विद यू, ऑलवेज। और इतना आप लोगों को ट्रैवलिंग, मैं तो कहता हूँ ट्रैवलिंग इज अ इन्वेस्टमेंट, और हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई देश ही नहीं है दुनिया में, जितना हमारे देश में घूमने के लिए सारी एसआरटी क्लियर हो जाएगी। एक सोलो ट्रिप मार दो आप हिमाचल का या लेह लद्दाख का या नॉर्थ ईस्ट, अगर एसआरटी में कोई बच्चा फेल हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल सर, हिंदुस्तान का कोई एक 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 स्टेट ऐसी नहीं है, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके मिजोरम तक, जहां पे मैं गया नहीं हूं। और अच्छा, आज की तारीख में लोग बोलते हैं नागालैंड का, बहुत लोगों ने, बहुत कम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब नागालैंड की बात करें तो मैं बता दूंगा वहां का ट्राइबल कल्चर, आओ अंगामी चांग चाकेदांग से मालो था चानी कोनियाक, जितने भी ट्राइब्स हैं, मैं बल्कि उनकी भाषा भी बोलनी आती है फ्लुएंटली, मैं जितनी अच्छी अंग्रेजी हिंदी उर्दू नहीं बोलता उतनी अच्छी तो मैं नागामीज बोलता हूँ सर। जैसे कि किनिका से बिशीबाला से मोए लगाना वाली बा से अपनी लोगों लोग पाई किना बिशी खुशी पाई से अपनी की कुड़िया से अपनी को लोगों तो उस तरीके से मैं नागामीज बोल दूंगा सर। और ये वहां पे रह के सीखा है मैंने, कहीं भी मैंने लिटरली कोई किताब वताब नहीं पढ़ी, लोगों से इंटरेक्ट करके मैंने सीख ली मैंने। तो ट्रैवलिंग इज एक्चुअली द बेस्ट एजुकेशन, उसे बेहतर कोई एजुकेशन, सर ने बोला आप ट्रैवल कर लोगे ना पूरी एसआरटी क्लियर हो जाएंगी। भैया आप ट्रेन में जा रहे हैं साहब, हैं ठीक है, अनिकेत या भट्टी या प्रिंस आपसे पूछते हैं ठीक है, प्रिंस आप ट्रेन में जा रहे हैं है? और भैया ट्रेन में आग लग गई, आप क्या करोगे? आप सफर कर रहे हो ट्रेन में, तो मैं चेन खींच दूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, पानी लेकर आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा है, ये आम जवाब होता है ना भाई। ट्रेन में आग लग गई आप क्या करोगे? सर मैं उसको बुझा दूंगा, आग बुझ गई। किसने कह दिया भाई पूरी ट्रेन में आग लग गई? ट्रेन में जा रहे हो और आग लग बुझा दिया, आप दिखाता है कि आपके माइंड में क्या है। आप बाहर गए बाजार में और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आइसक्रीम खाने के लिए, वहां पे गुंडे आ गए, आप क्या करोगे? सर वो 10 लोग हैं चाकू के साथ, मैं मार्शल आर्ट्स मैं ब्लैक बेल्ट हूं, मैं उनसे लड़ूंगा। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, आप मार्शल आर्टिस्ट होंगे, 10 लोग आए, आप टैक्टफुली आपको निकलना है उस सिचुएशन से, निकलना है पहले तो, और तो कैसे चले जा रहे हो, काम करना है, वो काम करना है। जैसे लाइक बच्चों को समझाते हैं सर, जैसे हमारी रेकी पेट्रोल होती है, अब जैसे एक अब हम बॉर्डर इलाके में, मेरा सौभाग्य था कि सन 2003 में जब सीज फायर भी नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, और हमारी जो पोस्ट थी ललियाली लखपत ओपी, वो पाकिस्तान की पोस्ट, यहाँ पे हमारा झंडा लहरा रहा है, और 30 मीटर कितना हुआ, 30 मीटर आप यूं पत्थर मारेंगे वहां जाएगा है, 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान की लास्ट पोस्ट थी। तो हम, और आई वॉज बेली 23 ईयर ओल्ड दैट टाइम, एंड यू कुड सी बोथ द फ्लैग्स फ्लाइंग यू नो, तो वो एक्सपोजर भाई आप दुनिया में, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन से आए, आप ऑक्सफोर्ड रोड स्कॉलर बन के आओ, आप कैम्ब्रिज से बन के आओ, हार्वर्ड से बन के आओ, आपको ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी जहां पे आप सड़क से 30 मीटर के फासले पे बैठे हुए हो और रात को मच्छरदानी लगा देते हैं। मच्छरदानी मच्छर तो थे ही बहुत सारे भुन भुन करके, उससे ज्यादा थे सांप बिच्छू जंगली जानवर। और सर हम लोग ओपी में सोते थे रात को ना, तो हम देखते थे मच्छरदानी के ऊपर है तो कोई सांप बैठे हुए हैं, 3-4 बिच्छू बैठे हुए हैं, अरे बूट झाड़ के पहने पड़ते थे। ये तो राजस्थान के अंदर भी, अगर राजस्थान में आप एक्साइज में निकले हो, सबसे पहली ट्रेनिंग ये होती है कि आप उठते सबसे पहले अपने जूते अच्छे से झाड़ो, क्योंकि जूते के अंदर बिच्छू हो सकता है, और बिच्छू का काटा हुआ ना बहुत बहुत पेनफुल होता है।
जो पॉइजनस बिच्छू अगर काट ले राजस्थान में खासतौर वेरी वेरी डेंजरस जी सर. एंड सो अच्छा, और अक्सर क्या था दोस्तों बॉर्डर पे ना क्लेमोर माइंस 1962, 65, 71 भलाई चाइना से जो लड़ा हो मगर तैयारी तो हर जगह पर रहती है और पराक्रम के टाइम पे भी माइन लगाए गए थे. ठीक है, तो वहां पे बंदर या भालू या तेंदुआ भी आपको लग जाएगा, कोई जंगली जानवर बिना किसी हाथ वाथ टांग के. क्यों? क्योंकि वो गलती से माइन पे स्टेप कर गया है. तो ऐसा ऐसी ऐसा माहौल रहता था वहां पर बॉर्डर पर. तो मैं सौभाग्य था, मैं 2 साल JNK का मैंने उग्रवाद इंसर्जेंसी देखी, वहां से लड़ा मैं, फिर मैं ADC बन के गया, फिर वहां से असम राइफल्स गया, फिर वहां से IIM कलकत्ता गया. तो जो फौज का एक्सपीरियंस है, 26 जनवरी की परेड कमांड कर ली, कलकत्ता फौज देती है जो शॉर्ट सर्विस में छोड़ना चाहते हैं, परमानेंट भी मिल जाती है, जिसको चाहिए परमानेंट ले सकता है, जिसको हैदर पिक्चर में रोल करना है विशाल भारद्वाज के पीछे जाना है तो फौज में रहेगा नहीं, जिसने टीवी स्टूडियो में आना है, जिसने जिंदगी अपनी उसने कहा भाई फौज होली पहले फादर फौज में फिर फौज में, अब मैं अपना अपने हिसाब से करूंगा. सो फौज जो है आपको IIMs में कोर्स कराते हैं, 6 महीने का एग्जीक्यूटिव MBA कराती है फौज, और IIM कलकत्ता क्या आपको MDI गुड़गांव भी मिल सकता है, IIM इंदौर भी मिल सकता है, कोई भी IIM मिल सकता है, वो भी आप कर सकते हैं. तो फौज टेक्स केयर ऑफ यू इन एन अमेजिंग मैनर जो है ना. अच्छा शाह ये बताएं आप कि अपनी तरह SSB की बताओ, वेयर यू वेंट और कितनी बार आपने अटेंड किया SSB, क्या कोई खास बात आपको याद हो SSB में, वहां आपने कैसे चौके छक्के कैसे मारे वहां? सर मैंने अपना एंट्रेंस टेस्ट CDS का ग्रेजुएशन के बाद, मैं कॉलेज हो चुकी थी, मैं NSD में दाखिला नहीं हुआ था, तो 19 अगस्त 2001 में मैंने अपना CDS का फॉर्म भर चुका था. पहले मैं कॉलेज के दौरान भर चुका था फॉर्म, मैं तकरीबन जनवरी 2001 में फॉर्म भरा होगा, जब तक कॉल आई एंट्रेंस टेस्ट की इट वॉज 8-9 महीने लग गए तकरीबन. तो 19 अगस्त को मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर कुछ अंदर 1 महीने और लग गए रिजल्ट आने में, फिर कुछ महीने और लग गए SSB कॉल आने में. जब SSB कॉल आई तो कॉल लेटर पे था SSB इलाहाबाद. अब उसका एक रेपुटेशन बन चुकी है कि वो एक रिजेक्शन सेंटर माना जाता है. हाँ, मिथ है ये, बहुत बड़ी मिथ है. बहुत बड़ी मिथ है बिल्कुल सर. तो जैसे ही लोगों ने ना अरे मर गए इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर, सर ऐसा नहीं है कि भाई विथ की रिजेक्शन सेंटर आप बैंगलोर, तब बैंगलोर भोपाल इलाहाबाद 3 जगहों पे SSB होती थी. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंगलोर जाओगे या भोपाल जाओगे तो आप बच जाओगे, भाई अगर आप में है ना वो बात, बस अगर आप में है वो बात ऑफ लाइक क्वालिटीज एंड द थिंग जो आप सब में है, मैं बताता हूँ क्यों आप सब में है, मैं वो भी बोलता हूँ क्यों. 2 वजह है इसकी, एक नहीं दो. पहली वजह, आप अन अकेडमी में एक्चुअली ट्रेन ले रहे हैं तो आप में ऑलरेडी वो क्वालिटी इनकल्केट होगी, और जो YMU के स्टूडेंट्स हैं उनको वहीं पे बेनिफिट है, उनको तो वहीं पे बेनिफिट है, वो वहीं पे, ये नहीं कि भाई नाम में तो हो जाएगा ठप्पा, ठप्पा ही नहीं, आप क्या सीखे वहां से, मैं सीख रहा हूं अब तक सीख रहा हूं, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों. अच्छा तो फिर मैं इलाहाबाद गया, वहां पहुंचा मैं, हम जब जाने का टाइम तो मालूम था कब जा रहे हैं SSB के लिए, आने का टाइम भाई किसी को मालूम नहीं था. आप उसी दिन आ जाएं, अगले दिन आ जाएं, 4 दिन बाद आएं, 6 दिन बाद आएं, या सिलेक्शन के बाद रुक के संगम घूमेंगे थोड़ा, उसके बाद आएं, 10 दिन बाद आएं, तो रिजर्वेशन तो कराया नहीं था वापस आने का. तो हम गए तो जनरल डिब्बे जो ट्रेन में अनरिजर्व कोच होती है ना, जिसमें तो एक अखबार बिछाया मैंने दरवाजे बाथरूम के बाहर दरवाजे के पास, वहां पे बस मैं अपना बैग काले नीचे लेके सो गया फिर मैं. और मैं इलाहाबाद स्टेशन वहां पे प्रयागराज स्टेशन पहुंचा. अच्छा इलाहाबाद से मैंने पढ़ाई भी की थी सर 2 साल, मेरे फादर ने कमांड की थी यूनिट वहां से, तो इलाहाबाद थोड़े बहुत मेरे को मालूम था इलाहाबाद के बारे में. तो इलाहाबाद में मैं वहां पे गया, सिलेक्शन सेंटर पहुंचा, स्टेशन पे ही लोग आए हुए थे, आप बस आई हुई थी, आर्मी के NCO आए हुए थे, आपको ले गए. अब हम वहां पे जब पहुंच गए बैरिक्स में, हम कैंप कर रहे हैं, अब फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई, बहुत लोग स्क्रीन आउट हुए, और कुछ सब एक वर्ड्स हमें अभी तक याद है. एक चित्र दिखाया था जहां पे एक लेडी सो रही है, एक महिला सो रही है, उनके बाजू में एक आदमी हथियार लेकर, कोई बहुत डरावना सा आदमी, कुछ तकरीबन मुझ जैसा ही दिखता था, वो हथियार लेके खड़ा हुआ है, और आपको उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है. क्या लिखेंगे? वो उसको मारने आया है ना, नेगेटिव जाएगा. वो लेडी सो रही है, आप वो आदमी उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसको बचा रहा है कि कोई जानवर या कोई दुश्मन ना आ जाए, तो वो आराम से सोएगी तब तक वो, तो स्टॉप. फिर आपको एक वर्ड दिखा दिए गए कि स्टॉप दिखा दिया, आप
एक फ्लैश कर दिया वर्ड, अब आपको फटाफट अगला वर्ड से पहले सोचना भी है, एनालिटिकल माइंड उसके बारे में लिखना भी है, अंटिल द नेक्स्ट वर्ड कम्स, तो स्टॉप आया, अब स्टॉप बिकम द नेगेटिव वर्ड, आई स्टॉप वर्किंग हार्ड, नो नेगेटिव, द पुलिसमैन एट द ट्रैफिक सिग्नल वॉज आस्किंग द डिफॉल्टिंग ट्रैफिक टू स्टॉप, वही नेगेटिव चीज, पॉजिटिव एक्शन है, कुछ ना कुछ एक्शन है उसमें, कोई ना कोई आपकी क्वालिटी दिखा रहा है, दैट मींस यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आप रुक जाएंगे अगर पुलिस वाला आपको रोकेगा तो। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो वही चीज आपने वहां पे कन्वर्ट कर दी। अच्छा, इस तरीके से फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुए, जैसे SRTs कि आप ये हुआ वो हुआ, भाई आप अगर शाम को आप थके थकाए आप घर लौट के आ रहे हो, आपने अपना रूम खोला, आपने माफ कीजिएगा दोस्तों मैं मेरी पूरी बात सुनेगा, एंड लेट मी कंप्लीट एंड कम टू द एंड, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन बिफोर दैट, एंड वो भी देखते हैं कि आप कंक्लूजन पे जंप तो नहीं करते। आपने रूम खोला, आपने देखा कि आपके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है जो ठीक से भी उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, आप क्या करोगे उसको देख के? तो अब दिमाग कैसे चलता है, भाई वो मेरे 2 साल की वो भतीजी है, मैं उसको कपड़े पहनाऊंगा और बोलूंगा बेटा बर्थडे पार्टी में आना है, चलो 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 कमॉन 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 लेट हो रहे हैं, तो आपका दिमाग कैसे चलता है उस सिचुएशन में? तो वो जैसे कि आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, तो एक पायलट क्या नाम था, श्रीदेवी की बेटी आई थी उसमें, गुंजन सक्सेना, वो रियल लाइफ सिनेरियो है। आप अभी सीढ़ी चढ़ के आए इंटरव्यू के लिए, कितनी सीढ़ियां आपने चढ़ी, 12 सीढ़ियां, रूम का साइज पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस रूम, जस्ट ऑब्जर्वेशन, यू नीड ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली, आपने अभी किस रंग के मोजे पहन रखे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए वो सब। अच्छा, हमें आपकी बहादुरी टेस्ट करनी है, आप फौज में आओगे, मुझे देखना है कि आप कितने बहादुर हो, देखता हूं, वो खिड़की दिख रही है, खिड़की पे जाओ, आप 3rd माले में बैठे हो, हैं? अब खिड़की पे जाओ और छलांग लगाओ वहां खिड़की से। अब भाई बेवकूफ थोड़ी है, खिड़की से जाके हम छलांग लगा देंगे बाहर, मर जाएंगे। तो अकलमंदी का काम गुंजन सक्सेना ने क्या करा, वो गई पैरापिट पे चढ़ी और कमरे के अंदर छलांग लगाए। कौन कह रहा है कि भाई खिड़की से बाहर कूद जाओ, खिड़की से चढ़ के कूदो, तो उसे वो उसे अंदर कूद गया, यू वांट इट। तो उस तरीके से सिचुएशन होती है, एंड इफ यू साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिस्ट जो है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट आपको डाउन कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई पागल है ना, हिंदुस्तान में एक स्टिग्मा है कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो भाई पागल हो गया इंसान। व्हाट यू मीन यार पागल हो गया इंसान, किस तरह का पागल है? दे आर देयर इज एंग्जायटी, देयर इज डिप्रेशन, देयर इज बाइपोलर, देयर इज देयर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल इलमेंट्स ऑल्सो। ओके, तो मगर क्या करेंगे, यू नो ये बच्चे पार्टी वेट कर रहे हैं कि इनके हम कुछ सवाल लें, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वी आर टचिंग यूट्यूब लाइव में 500 लोग आपको सुन रहे हैं। So that is your magic. That is why am you magic. I tell you. Why am you magic? में आज मोहम्मद अली शाह का तड़का लगा हुआ है। दोस्तों thank you very much. मैंने यही जब YouTube पे बताया ये मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैंने यही कहा। Listen, a major take on a major channel और vice versa. ठीक है? Sir, एक छोटा सा game मेरे दिमाग में ज़हन में अभी भी आया है। वो game ये है कि जो 500 लोग हमें सुन रहे हैं YMU में YouTube पे, भाई हम एक एक शख्स के लिए, इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, हां चैलेंज फॉर, एंड इन फैक्ट नॉट ओनली YMU, इन फैक्ट द पीपल हु आर हियर विद ऑन एकेडमी ऑफ Zoom इन Zoom मीटिंग एज़ वेल, इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई दीपक मैं जानता हूं आप चैलेंज आप जीतोगे, ठीक है? सुनो बेटा थोड़ा म्यूट करके, यू आर राइट, आई एम विद यू, आई एम विद यू सर। Short and crisp, ठीक है? We will चलो वंश वर्मा से स्टार्ट करते हैं, जल्दी A से स्टार्ट करते हैं, अभी हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, चलो वंश। सर बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस, एक थोड़ा गेम है मेरे ज़हन में। हाँ हाँ बोलो। That game is for each and every one over here. भाई क्योंकि सर ने मेंशन किया, सर ने जिक्र किया कि 5 लोग हमें देख रहे हैं, सर अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ करके, है
सर फौज में हम ऐसा होता ना कि सर मैं तो सो कहा था इसने करा नहीं, मैं तो बिल्कुल उन्हीं की याद दिलवाती है, उन्हीं की याद दिलवाती है, मेरे को भी उन्हीं की याद दिलवाती है कि मैं हिंदी में गया था नितिन, बिल्कुल है। अब दीपक भाई शुरू हो गए हैं, दीपक भाई म्यूट कर दो मेरे दोस्त है, आपको ही मौका मिलेगा भाई, हम सुनेंगे आपकी बात भी है। अच्छा सर मैं तो उसको कहा था उसने करा नहीं, सर मैं तो मैसेज पास कर दिया था उसने करा नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं क्या फौज में? नहीं कर सकते दोस्तों, यू हैव टू इंश्योर इट। मैंने जनरल यशमोर साहब का चैनल अपने ग्रुप में तो शेयर कर दिया, मेरा काम हो गया ना, यू हैव टू इंश्योर इट, यू हैव टू टेल योर फैमिली मेंबर्स, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, योर नेबरहुड, योर क्लासमेट्स कि भैया सब्सक्राइब करो। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? तेरे चिल्लाऊंगा बताया जी, किसी का साउंड ठीक है नहीं, तो I'll speak softly, otherwise Binayak will have a problem with it, okay? So I will speak slowly. I will say that, दोस्तों, कोमल, everyone is very amused by that. Please sir, continue. बच्चे कोई चलो विल टेक सम क्वेश्चंस है ना, म्यूट एवरीवन, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ये खत्म नहीं हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों सर, ये दिस इज अ गेम, दिस इज यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया विद दिस सर। मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई शख्स जो देख रहा है अपने दोस्तों को बोले, अभी आए YouTube पे सर के, कमेंट करे और बोले आई हैव बीन रेफर्ड बाय अंकित दीक्षित, बाय शशांक शुक्ला, बाय शिवम कुमार, बाय अथर, तो देखते हैं किसका नाम रेफरेंस पे सबसे ज्यादा होता है, ही विल बी द विनर। समझ गए आप गेम दोस्तों? लेट सी एंड लेट मी टेल यू द फिगर्स विल मल्टीप्लाई, इट विल। जिसका नाम आप, कोई जो अभी मेंबर नहीं है उस नॉन मेंबर को पकड़ो, फोन लगाओ या मैसेज करो और बोलो कि सर के यूट्यूब चैनल के आपके कमेंट्स में लिखे आई हैव बीन रेफर्ड बाय अमित, बाय अनुज चहल, तो नाम लिखे, बाय अंशुमन, बाय हर्षित, तो नाम लिखे वहां पर, जिसके मैक्सिमम नाम होंगे वी हैव अ स्कोर कीपर, शिवम यू बी द स्कोर कीपर, एंड देखना किसके ज्यादा ज्यादा नाम आते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन, सो नाउ नाउ वी विल टेक द, लेट्स सी, यू हैव हर्ड मेजर, आई लव यू अनुज, सो प्लीज म्यूटेड ऑल, नॉट ऑल क्वेश्चंस प्लीज टीम, जरा म्यूट करके रखो, जिसका मैं नाम लेता हूँ उसी का, उसी को अनम्यूट करने की परमिशन देना। तो सबसे पहले वंश वर्मा से बात करेंगे, भंडारी क्या हाल है बहन? वंश, वंश या पुट ऑन योर माइक या लेट अस हियर यू। सर 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 मैं बाथरूम में हूँ, सर सर मैं बाथरूम में हूँ सर, मेरा नेट नहीं चल रहा। हेलो सर, आई एम फ्रॉम Zoom कम्युनिकेशन, योर मीटिंग हैज बीन हैक्ड। अच्छा, somebody is hacking, कोई ना कोई, ये को था, कोई ना कोई बदमाश आया। यस सर, इट इज रिक्वेस्टेड टू, यस सर, प्लीज नो सर, वी विल नॉट हैव एनी क्वेश्चंस। ओहो, आमा का से लेगा और तू का क्या बताऊं? श्री राम जी की जवान, प्लीज मुझे बताओ। Not interested, bro. You should have been more listening, more careful. Host, Shivam, I am the host, or I don't know. Please. No, Shivam is the host, I think. Yeah, Shivam, please mute everyone. Anurag, sir, it is Mr. Anurag. Sir, you will mute. Sir, आप mute मारोगे तो मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ sir, ये बताओ भाई, पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं, mute मारोगे तो क्या मतलब भाई पढ़ाई का? ये होता है, हम भी बच्चे थे, we also gone through it दोस्तों, don't worry, हम भी गुजर चुके हैं इस चीज से। या प्लीज म्यूट एवरीवन, सर बताओ सर, मेरे माँ-बाप ने सर तुमको पैसे देते हैं भाई, बताओ इतने मेरे माँ-बाप ने, सर वी शुड एंड दिस मीटिंग, म्यूट मारो, लेट्स एंड द मीटिंग, ओके, यस सर, वी शुड एंड दिस मीटिंग, यस सर। अरे अरे ये मीटिंग एंड करेंगे तो भाई लिंक दे देना, कोई लिंक दे देना, मैं लिंक, रुको मैं लिंक कॉपी कर लेता हूं, वापस आ जाऊंगा, लिंक कॉपी करूंगा मैं ऑन द YouTube, वापस आऊंगा, लवली ऑडियंस एंड थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ वंडरफुल सेशन।